गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक के कृतिका के अंतर्गत द्वितीय अध्याय मेरे संग की औरतें, जिसमें मृदुला गर्ग ने अपने परिवार और परिवारजनों के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। अब तक हमने उनकी नानी का व्यक्तित्व, उनके नाना का व्यक्तित्व और उनकी दादी का और उनका माता का व्यक्तित्व पूरी तरह से पढ़ा। परदादी के व्यक्तित्व के बारे में बातचीत चल रही थी कि उनका भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। इधर वो भगवान से कुछ मांगती और उधर तन्न से तथास्तु बजता, कहने का मतलब है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। यहाँ तक कि उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि नामी चोर भी उनकी वजह से अफरा तफरी में आ जाते थे। तो यहाँ पर उनके परिवार में एक विवाह की घटना का उल्लेख किया गया है, जब चोर को भी इन्होंने चोरी का धंधा छोड़ने को मजबूर किया और अपने घर पर खेती के काम में लगा लिया। हम बात करेंगे पेज नंबर 18, चोर की घटना से हमारा प्रारंभ होगा। द्वितीय पैराग्राफ है इसका। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली, नकुड़ गांव का नाम है, नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी। रत जगा यानि रात्रि जागरण। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर यानि मौका पाकर, अवसर पाकर के हवेली में घुसा और किसी को उसकी खबर भी नहीं हुई। पर चोर था बेचारा बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे में जाकर सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँवों की आहट से ही उनकी नींद खुल गई। तब माजी ने नींद खुलते ही प्रश्न पूछा, कौन? यहाँ पर देखिए संवादात्मक भाषा शैली का प्रयोग है कि एक बोल रहा है और दूसरा प्रतिउत्तर दे रहा है। माजी ने इत्मीनान से पूछा, इत्मीनान से बड़े आराम से, जिसे कहा जाता है जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और असंगत जवाब दिया। तब माजी उसे कहती है, पानी पिला। माजी ने कहा तो चोर कहता है, जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था और उनका ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, क्योंकि चोर की कमर में भांग बंधी हुई थी और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो उसे ऐसा लगा कि बुढ़िया को कैसे पता चला कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुढ़िया भी भांग छान करके पीती होगी। अब चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग? भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर तो उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान और परेशान हो उठा। तब माजिन का, जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है। तो चोर कहता है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सब कुछ सच सच कह गया। तब माजी उत्तर देते हुए कहती है, हुआ करे। माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो, क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत है कि जल को छान कर पीना चाहिए। उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने उस चोर को वो बात कही। तब चोर ने कहा, आप चोर के हाथ का पी लोगी? तो माजी ने कहा, क्या कहा? देखो ये कहा न,
कि रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। यह सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, मतलब अकबकाना यानी घबराना, कि लोटा उठाकर चल दिया, वो मना ही नहीं कर पाया। पूरी एहतियात के साथ, एहतियात अर्थात सावधानी के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने उसको धर दबोचा, क्योंकि वो कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम क्या हो गए, माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब जब रिश्ता माता और पुत्र का निर्धारित कर दिया तो बताओ कौन पुत्र अपने घर में चोरी करेगा, तो उसने भी चोरी का रोमांचक धंधा छोड़ दिया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा और हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़के होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं आई, माजी जो इसके दादी परदादी थी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। क्यों? क्योंकि नानी ने इसका विवाह किससे करवाया, आज़ादी के आंदोलन के सिपाही से करवाया। अब दोनों विचारों को लेकर के ये चलने लगी। अब 15 अगस्त 1947 की एक घटना का उल्लेख है यहाँ पर। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से यानी बुरे भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में, जश्न यानी उत्सव में शिरकत यानी सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं दी। अब डॉक्टर कौन थे, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। क्यों? क्योंकि ससुर साहब के और ससुर साहब के मित्र के आगे कौन बोलेगा, तो उन्होंने मना कर दिया, तो इनके पिता जो आज़ादी के आंदोलन के सिपाही थे वो उसको लेकर के नहीं गए। मैं बदस्तूर यानी निरंतर रोती और कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर इतना रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 की थी, इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर के इसके पिताजी ने क्या किया, इसे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मिराक क्या कहलाता है, मानसिक रोग। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं यानी जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त प्रदर्श कारामजो मुझे देने में क्या तुकती, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड हो गए यानी मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार पर था, अंडरलाइन करना इसको, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, क्योंकि ये भी बच्ची थी, 9 की इसकी उम्र थी।
उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छुरी जैसी कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश ऐसे हैं जिनमें इस प्रदर्श कारण जो उपन्यास में पढ़े गए उस पाठ का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। और ब्रदर्श कारामजो उपन्यास रूसी उपन्यासकार दोस्तोवस्की के द्वारा लिखा गया है। अब माजी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, क्योंकि अगर लड़की पैदा होने पर उनके घर में अफसोस होता, उस पर अत्याचार होते या लड़की को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता तो उस परिवार में क्या होती, हीन भावना पैदा हो जाती। परंतु इनकी परदादी ने क्या मांगी, पुत्री मांगी। अब पुत्री मांगी तो इसका मतलब हीन भावना नहीं थी लड़कियों के लिए, तो ये हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, मतलब जैसे नानी परंपरा पर नहीं चली, दादी परंपरा पर नहीं चली, तो इन्होंने भी परंपराओं पर चलने से इनकार कर दिया। अब पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल, वो लेखिका का अवतार हुआ, मतलब वो भी लेखिका थी मंजुल भगत, क्योंकि लिखना उसने शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ करके वो क्या बन गई, भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला इसका मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद यानी स्त्री के अधिकारों की मांग को लेकर, स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर, स्त्री के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर साहित्य में लिखना प्रारंभ किया जा चुका था, उसको कहा जाता है नारीवाद। नारीवाद का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला, हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गोरी और बाहर का नाम चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी थी कि उनका एक एक नाम ही रखा, और नाम क्या थे, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जाकर फंस गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 बहनें और 1 भाई लेखन के कार्य की ओर अग्रसर हो गए। धन्यवाद।